हाय गाइस, कैसे हो सब। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के अररिया तहसील में स्थित सिंगनारी के बारे में, जिसे मैरड़ मन टेम्पल का दर्जा प्राप्त है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, चल रहे हैं अंदर। अभी दिखाएंगे यहाँ का जो पूरा सीन है, क्या है, कैसे है, मंदिर के बारे में बताएंगे पूरा। ये बस्ती में शादी कराने वाले मंदिर के नाम से विख्यात है। ये श्रृंगी नारी में आता है, यहाँ मैहर माता के नाम से इसे कुछ विख्यात है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये इसका मेन गेट है, यहीं से अंदर जाया जाता है। इसमें हनुमान गढ़ी है और ये एक मंदिर है, जो हनुमान गढ़ी है वो इस साइड में बना हुआ है। जो इसका मेन मंदिर है वो यहीं पर है, इसमें लगा हुआ। तो चलिए दिखाते हैं अंदर चलकर, हम आपको दिखाएंगे पूरा। तो गाइस देखिए, यही है मेन मंदिर यहाँ का जो है, इसी के बारे में बताएंगे। तो अभी अंदर तो मतलब नहीं जा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन जूम करके हम आपको दिखा देंगे जो गर्भ है इनका, जहाँ पर माता जी विराजमान है, उसके बारे में हम बताएंगे। ये देखिए माता जी पूरे यहाँ पे, ये जो अंदर है ये मेन मंदिर है, और जो हनुमान गढ़ी वाला मंदिर है वो सामने इस गेट के मतलब जो ये गेट है इसके बाहर है, बाहर में उस साइड में, इस साइड में है, वहीं पर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एलिफेंट्स हैं इनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े एलिफेंट्स बनाए गए हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, तो यहाँ पर शादी देखना हुआ या शादी करना हुआ, मतलब यहाँ पर महीनों में हज़ारों शादियाँ हो जाती हैं लगभग। तो चलिए दिखाते हैं पूरा लोकेशन क्या है, कैसे इसका पूरा। ये देखिए, ये मंदिर का जो राउंडेड है, इसके चारों तरफ ये सीढ़ी बना हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी लोग आते रहते हैं। देखिए ये इधर बैठने के लिए बना है। तो आज बारिश हुआ है दोस्तों, तो इसलिए हर जगह पानी पानी है। तो ये देखिए, ये इसका ग्राउंड एरिया है, अभी तो बन रहा है, जब बन के कम्प्लीट हो जाएगा तब अच्छा लगेगा। बाकी जो यहाँ का मेन मंदिर है, जहाँ सब लोग देखने आते हैं, वो यही मंदिर है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। ये इसका मतलब जो मंदिर के चारों तरफ सीढ़ियाँ बनाई, यहाँ पर देखिए कुछ कोई पूजा वूजा हो रहा है, लेडीज लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ पूजा वूजा करवा रहे हैं। हाय गाइस, तो ये है हनुमान गढ़ी मंदिर। ये देखिए हनुमान गढ़ी जो मंदिर है उसका ये सीढ़ी है, यहाँ से लोग ऊपर जाते हैं, मंदिर ऊपर बना हुआ है। देखिए लिखा है श्री बालाजी हनुमान मंदिर, निर्माण कार्य श्री रामचंद्र यादव ने कराया था, चंद्र यादव ने। तो अभी तो ऊपर नहीं जा सकते, बंद हो गया, पर हम आपको जूम करके कुछ दिखा देते हैं कैसे क्या है कैसे नहीं। इसके अंदर है जो इसका गर्भ है मंदिर का, ये हनुमान जी जहाँ विराजमान हुआ अंदर है। ये देखिए, ये हनुमान गढ़ी है, इसके जस्ट बगल में ही ये मतलब जो यहाँ का माता जी का मंदिर है, उसका गेट है, आदिशक्ति मंदिर नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर आज बारिश हुई है, फिर भी बहुत से लोग आए हैं, तो जो देख रहे हैं उस मंदिर में, तो उसी का गेट है, ये मेन गेट है, बाकी तो सब ये राउंडेड है। और यहाँ बहुत के पीछे स्कूल है, और ये सब यहाँ पर लोग दुकान वकान लगाते हैं यहाँ के लोग। तो दोस्तों यही सब है, अभी तो मंदिर ब्लॉक है, तो कभी फिर आएंगे तो फिर मतलब अंदर से दिखाएंगे क्या है कैसे है। अभी तो बारिश भी हो रही है, तो इसलिए पूरा सही से नहीं दिखा सकते, और फिर बंद भी हो गया मंदिर। तो अब फिर अगले वीडियो में कभी आएंगे तो पूरा दिखाएंगे कैसे क्या है कैसे नहीं है। तो यह मंदिर दोस्तों उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िला के अररिया तहसील में श्रृंगी नारी करके एक नाम है, वहीं पर है। तो कभी आना हो तो आप अयोध्या से 30-35 किलोमीटर है, तो आ सकते हैं, देख सकते हैं। ये परशुरामपुर के बगल में पड़ता है, जो परशुरामपुर एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसके बगल में ही है। ये देखिए यहाँ पर लोग मतलब जो यहाँ पर बाबा बाबा रहते हैं, तो यहाँ पर रहते हैं वो लोग जो इस मंदिर का निर्माण कराए थे, उनके बारे में। ये देखिए कोई है जो निर्माण करता है इस मंदिर का, राम शंकर यादव, झिंकान मिस्त्री, ग्राम पितूड़ा पोस्ट, सिंगरिंगारी, जिला बस्ती, सन 2002 में बना था। मतलब बना था बहुत पहले था, लेकिन फिर भी जो इसमें चेंजिंग कराया गया वो 2002 में कराया गया है। तो ये देख लिए दोस्तों, तो यही सब है दोस्तों वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना,
और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो न्यू वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों यही है, तो देखिए यहाँ की जो मार्केट है ये, मतलब यहाँ पे साइड साइड में दुकान लगा रहता है, जैसे तो यही मंदिर बना हुआ है। हाँ, तो तकरीबन 50 साल हो गया होगा। हाँ, इसे कम नहीं, 50 साल नहीं, और 100 साल से ऊपर। माता जी का मंदिर। हाँ, तो माता जी तो ये देखिए, एक बाबा मिले बता रहे हैं, वहाँ से जग करवा के चले हैं, तो यहीं आए हैं। नहीं तो हाँ, मतलब 100 साल से ऊपर हो चुका है, 100 साल से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर पूजा किस, मतलब किसका होता है? माता जी का, मंगलवार को मेला लगता है। मंगलवार को मेला, कौन सी माता जी का यहाँ पर? ये है माता जी है शांता देवी, ऋषि का धर्म पत्नी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मतलब मेन होता है वो मंगलवार को लगता है। तो जो बाबा थे वो अभी है नहीं, कहीं चले गए हैं, तो मतलब उनके एक चेले थे वही हैं, तो उनको बारे में मतलब जानकारी नहीं है। ये देखिए अभी एक शादी होने जा रही है, दुल्हन आ रही है, वो दूल्हा भी आ चुका है। तो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, शादी करने के लिए आए हैं दोस्तों। ये देखिए एक दुल्हन भी आ रही है, मेरा तो हो ही नहीं रहा, नहीं तो मैं भी कर लेता। तो दोस्तों आप लोगों को भी अगर करना है शादी तो यहाँ पर आके कर सकते हैं लड़की को लेकर, लेकिन अकेले मत आना, नहीं तो अकेले नहीं होगा, साथ में कोई चाहिए है। हाय गाइस, तो गाइस वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बताना कि यहाँ मंदिर कैसा है कैसा नहीं है। अगर आप लोगों को भी शादी करना हो तो आके कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।